स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज आप सभी के लिए बिल्कुल नया और बहुत ही बेहतरीन एक तरह से प्रश्नों का समाकलन समायोजन कह लीजिए कि वो आप सभी के लिए लाया गया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आयुर्वेद भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का आधार क्या है, किस तरह के प्रश्न जो हैं ऑप्शनल जो होते हैं, जो एग्ज़ामिनर के माइंड सेट में रहता है कि किस तरह के प्रश्न जो हैं हम बच्चों के सामने रखेंगे ताकि वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के थोड़ा सा उलझ जाएँ, प्रश्नों का उत्तर जो है सही तरीके से या सटीकता के आधार पर न दे पाएँ। तो उस तरह का कुछ प्रश्नों का जो है समाकलन इस क्लास में हम आप सभी को दिखाएंगे और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे प्रश्नों का, ताकि छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट के, जो भी आयुर्वेद के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनको आपको समझने का उससे आपको बल मिलेगा, समझ सकते हैं आप आसानी से, उसे समझ पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस क्लास में आप सभी को बस जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए ही बस जो क्वेश्चन है मेंशन किया गया, ऐसा नहीं है। इसमें आयुर्वेद स्टाफ नर्स के भी जो स्टूडेंट हैं इससे क्वेश्चन समझ करके अपनी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। आयुर्वेद जो डिस्पेंसर हैं, आयुर्वेद ऑफिसर के जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, कंपाउंडर हो गए, तो अलग अलग स्टेट के मतलब कि जो भी परीक्षाएं होती हैं वो उन पे आधारित हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जो ज़्यादातर लाइमलाइट में जो भर्ती बनी हुई है वो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, और एक दूसरी भर्ती जो लाइमलाइट बिटोर रही है उत्तर प्रदेश आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो भर्ती है, इस पे ज़्यादा नज़र है। कारण ये है कि बहुत सारे अपवाद भी इस भर्ती को लेकर के चल रहे हैं, और एक बार तो एग्ज़ाम की डेट भी जो है पोस्टपोन्ड हो गई, और फिर से जो है एग्ज़ाम की डेट 8 सितंबर को अनाउंस हो गई है कि 8 सितंबर को आपकी प्राथमिक जो परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं वो होंगी, उसके बाद से आपके मुख्य परीक्षाएं होंगी, उसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो जितने भी छात्र छात्राएँ हमसे जुड़े होंगे तैयारी कर ही रहे होंगे, और आप लोगों के लिए एक और बता दें हम आपको कि अब जो है जो भी स्टाफ नर्स है, आयुर्वेद स्टाफ नर्स हमसे तैयारी कर रही हैं ऐप पर, उनकी क्लासेस जो हैं अगस्त से कंटिन्यू होंगी। कुछ क्लासेस आप सभी को दी जाएंगी जिसमें आपको प्रश्नों के आधार कैसे प्रश्न हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें जो हैं समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्नों का समाकलन जो है किया गया है। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो आयुर्वेद पे ही आधारित है, जिसमें पूछा जा रहा है आयुर्वेद में उपचार के तरीके क्या हैं, या उपचार की जो मुख्य विधि है वो क्या है, या उपचार किस तरह के किए जाते हैं। ये भी प्रश्न हो सकते हैं, ऑप्शन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब अगर आपको उत्तर पता हो तो ऑप्शन में कुछ भी रहे आप डायरेक्ट उसका जो सही जवाब है वो टिक कर सकते हो। जैसे आयुर्वेद में उपचार को मुख्य तौर पर दो तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है शमन चिकित्सा, जिसे उपशमन चिकित्सा में भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। एक होती है शोधन चिकित्सा, जो है शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आयुर्वेद चिकित्सा या आयुर्वेद उपचार का मुख्य आधार बिंदु या मुख्य जो तरीका है वो दो ही है, एक शमन है एक शोधन है, जिसको हमने उपशमन के अंतर्गत भी बताया है और शुद्धिकरण के अंतर्गत बताया है। अगर आप शमन की बात करेंगे तो शमन का मतलब किसी बीमारी को पूरी तरह से नष्ट करना, क्या करना, नष्ट करना। और एक और चिकित्सा है, अगर शोधन की बात की जाए तो शोधन का मतलब सुधार करना। जैसे दोष हैं तो दोष बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो इन दोषों में सुधार करना, इनकी बढ़ी हुई जो मात्रा है उसको कम करना, मध्यमान करना, इस तरह की प्रक्रिया। तो दो तरह की चिकित्सा या उपचार के ऊपर पूरा आयुर्वेद आधारित है, जिसे शमन चिकित्सा या शोधन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में उपचार की कितनी विधियां, उसका अब अगला क्वेश्चन जो है जिसमें मेंशन है आयुर्वेद में निदान की कितनी विधियां हैं। एक तो हो गया कि आयुर्वेद में उपचार कितने तरह के होते हैं, कितने तरीके हैं उपचार के, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफर है एक दूसरे से। पहले में था आयुर्वेद में उपचार कितने तरीके के हैं या उपचार के कितने तरीके हैं, यहाँ पे आयुर्वेद में निदान की कितनी विधियाँ हैं। जब भी निदान आता है, कई क्लास में आपने देखा भी होगा, हमने बताया है कि निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना, मतलब बीमारी के बारे में जानना, बीमारी के बल के बारे में जानना, बीमारी के प्रकार के बारे में जानना कि बीमारी किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में जानना ही निदान कहलाता है। तो उसी निदान के बारे में पूछ रहा है
कि आयुर्वेद में निदान की कितनी विधियाँ हैं। तो आयुर्वेद में निदान की मुख्यतः तीन ही विधियाँ होती हैं, जिसे एक जो विधि है जिसे कहते हैं दर्शन परीक्षा, मतलब रोगी का जो जांच करना है, जो बीमारी के बारे में पता करना है, वह दर्शन परीक्षा, मतलब कि देख करके, दृश्य करके या देख करके जो बीमारी का पता किया जाता है उसे हम कहते हैं दृश्य परीक्षा या दर्शन परीक्षा। एक जो परीक्षा होती है जिसे कहते हैं रोगी के शारीरिक संकेत, मतलब रोगी के जो भी शरीर से संकेत मिल रहे हैं, जैसे अगर सर्दी जुकाम है तो बार बार स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, नाक बह रहा है, सर्दी जुकाम की जो प्रक्रिया हो रही है वो उसका शरीर संकेत दे रहा है, या अगर हृदय में आघात हो रहा है, बार बार हृदय में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ये शारीरिक संकेत हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। उसी तरह से अगर तीसरी निदान की जो विधि है वो देखी जाएगी तो वो है लक्षणों का अवलोकन करके, मतलब कि बीमारी के जो सटीक लक्षण हैं उनको देख करके भी निदान के द्वारा जो है निदान की विधियों में इसे सम्मिलित किया जाता है। तो लक्षणों का अवलोकन करके भी बीमारी के बारे में जाना जाता है। तो लक्षण अवलोकन क्या है? लक्षण अवलोकन का मतलब कि किसी स्पेसिफिक बीमारी का एक लक्षण होता है जिससे बीमारी के बारे में पता चलता है। जैसे कामला बोला जाए तो कामला में हमारे जो नेत्र होते हैं वो पीले हो जाते हैं, नाखून हल्के हरित वर्ण हो जाते हैं, मूत्र पित्त वर्ण का होता है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर भी निदान जो है किया जाता है। तो अगर प्रश्न हो आयुर्वेद में निदान की कितनी विधियाँ हैं, तो मुख्यतः तीन विधियाँ हैं, दर्शन परीक्षा, रोगी के शारीरिक संकेत और लक्षणों का अवलोकन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य और रोग का कारण क्या है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य और रोग का कारण पूछ रहा है, मतलब स्वास्थ्य का कारण क्या है और रोग का कारण क्या है। तो शरीर में दोषों, धातुओं, मलों और अग्नि का सामंजस्य और संतुलन स्वास्थ्य और रोग का प्राथमिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद क्या कहता है कि शरीर में दोष, तो दोष तो दो ही हैं, शारीरिक दोष है और मानसिक दोष है, शारीरिक दोष में त्रिदोष है और मानसिक दोष में रज और तम की बात की गई है, ठीक है। अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में सप्त धातुएं हैं, ये इनमें अगर पुष्टि होती है तो शरीर स्वस्थ होता है, पुष्टि नहीं होती, इनका पोषण नहीं होता है तो शरीर अस्वस्थ होता है। मल की अगर बात करेंगे तो मल भी कई तरह के मल हैं, तो उन मलों के आधार पर भी शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता का निर्धारण होता है। अग्नि की बात करें तो शरीर में अग्नियाँ 13 प्रकार की हैं, इससे भी शरीर में जो है भोजन का पाचन, अवशोषण और बहुत भी सारी चीज़ें जो हैं होती रहती हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बढ़ता है घटता है, अग्नि के द्वारा ही हमारी प्राणवायु जो है, हमारा प्राण जो है चल रहा है, हमारे शरीर में आत्मा बनी हुई है वो अग्नि के कारण ही है। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, इनका सामंजस्य कहने का मतलब इनकी जो मात्रा है वो बना रहे, इनमें कोई अनियमितता न आए, विकृति न आए, इसका सामंजस्य यानी कि तालमेल बना रहे, तो इससे शरीर स्वस्थ होता है, संतुलन बना रहे तो स्वास्थ्य जो है संतुलित रहता है और रोग का प्राथमिक कारण है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो इससे रोग भी होता है। तो अगर संतुलन बना है तो स्वास्थ्य बना रहेगा, अगर संतुलन नहीं बना रहेगा तो अस्वस्थता आएगी, रोग आएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पे जो क्लासेस हैं कंटिन्यू हो चुकी हैं, जो आयुर्भास्कर ऐप है उस पे होम्योपैथ की क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हैं। आप जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं जो होम्योपैथ फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो आयुर्भास्कर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर हमारे ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, नहीं तो बहुत ही ईजी वे है, आयुर्भास्कर जो है प्ले स्टोर पे लिख करके आप सर्च भी करोगे तो ऐप आ जाएगा, नहीं तो www.ayurvaskar.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से भी आप इंक्वायरी के थ्रू क्लासेस जो है परचेज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने कोर्स नहीं लिया है तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब भी जो है अपडेट आ जाए, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आ सकती है, आपके पास टाइम जो है कम बचा रहेगा और तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्स ले लें, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तो जो भी चीज़ें हैं बदल जाएंगी, कोर्स की जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी और कोर्स की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी क्लासेस जो है परचेज कर लीजिए, बाद में कोई रिक्वेस्ट, कोई इंक्वायरी, कोई
आपका शोर सिफारिश कुछ काम नहीं करने वाला है। आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट जो भी चीज़ें करता है वो अपने नियम के तहत करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो कोर्स हैं अभी भी चल रहे हैं, डिस्काउंट कूपन के साथ चल रहे हैं, 100 बच्चों के जो कूपन निर्धारण किए गए थे उनमें बहुत ही कम संख्या बची हुई है, तो जिनको कूपन कोड जो है अप्लाई करके कोर्सेज लेना है उसको भी आप ले सकते हो, जल्दी से जल्दी ले लीजिए जिन्होंने नहीं कोर्स ज्वाइन किया है। और जो विदाउट कूपन लेना चाहते हैं उनका वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है। पीडीएफ जो है प्रिंट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, उसी तरह आयुर्वेद फार्मासिस्ट में भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप कोर्सेज ले लीजिए। अगस्त से जो क्लासेज आपकी टोटली कंप्लीट करा दी गई हैं, आयुर्वेद फार्मास मतलब कि आयुर्वेद उपचारिकाओं की जो कोर्स है कंप्लीट कर दिया गया है, उसमें कुछ क्लासेस जो हैं एडअप किए जाएंगे अगस्त से। कुछ चीज़ें जो हैं फार्मेट फंडा कैसे होगा पेपर, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे और भी कोर्सेज जो हैं लॉन्च हुए हैं, जैसे राजस्थान के कोर्स चल रहे हैं, हिमाचल के चल रहे हैं, हरियाणा के कोर्स जो हैं चल रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम जो है MPPSC के कोर्सेज को भी लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप सब अपनी सुविधा के अनुसार कोर्सेज जो हैं आयुर्भास्कर ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, मतलब कि जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आपको पहले ही बता दें, जो कफ प्रकृति वाले होते हैं, तो कफ जो है एक तरह से जल का प्रतिरूप है, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जल जो है शरीर में जब बढ़ेगा तो मृदुता लाता है, स्थूलता उत्पन्न करता है, शरीर में स्नेह उत्पन्न करता है, त्वचा को बहुत ही ज़्यादा मृदु बनाता है। तो उस तरह के लक्षण जो है दिखते हैं। तो यहाँ पे लक्षण क्या है, शरीर का ढांचा मध्यम से चौड़ा हो जाता है। कैसा होता है, मध्यम से चौड़ा हो जाता है, मतलब कि शरीर फैल जाएगा, आसानी से वजन बढ़ता है, बहुत तेज़ी से जो है भार बढ़ जाता है, त्वचा चिकनी हो जाती है, मोटी होती है, थोड़ी तैली हो जाती है। हमने बताया कि स्नेह बढ़ जाता है, तो स्नेह मतलब तैल ही समझिए। पसीना मध्यम होता है, पसीना ज़्यादा नहीं होता है, न ही ज़्यादा होता है, न ही कम होता है। भूख मध्यम होती है, भूख न ही ज़्यादा लगती है, न ही कम लगती है, मध्यम भूख लगती है। मल त्याग नियमित होता रहता है, वह स्थिर स्वभाव के होते हैं। जो भी कफ वाले प्रकृति के जो व्यक्ति विशेष होते हैं सभी स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, उनके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है वो बदलती नहीं है, स्थिर होती है। अरे समझ में, अब एक तो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ निश्चयी का मतलब जो एक बार सोच लिए वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके दिमाग में जो बात आ जाती है रुक जाती है, ये अड़ जाते हैं किसी बात पर तो वो चलती रहती है। तो इनका स्वभाव स्थिर होता है, उन्हें याद करने में समय लगता है, मतलब कि अगर कोई चीज़ याद करनी होती है तो उन्हें समय लगता है, और लेकिन एक बार याद हो जाने के बाद यह हमेशा के लिए होता है। लेकिन अगर कफ प्रकृति वाले व्यक्ति विशेष एक बार कोई चीज़ याद कर ले तो हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, कफ प्रकृति वालों का शरीर कैसा होता है, या कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। बहुत ही साधारण भाषा में आप समझिए कि कफ जो है जल से संबंध रखता है, इसलिए जैसे ही जल शरीर में बढ़ता है तो शरीर में मृदुता बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है, और शरीर में मृदुता बढ़ने के कारण, शरीर में स्नेह बढ़ने के कारण शरीर स्थूल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही आसानी से शरीर का आकार बढ़ जाता है, ढांचा बढ़ जाता है, शरीर में भार बढ़ जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि जो भी कफ प्रकृति वाले व्यक्ति विशेष होते हैं उनको कोई भी चीज़ याद करने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो याद कर लेते हैं तो वो चीज़ जल्दी भूलती नहीं है। ये दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, लेकिन जो भी चीज़ दिमाग में इनके घुस जाती है वो स्थिर हो जाती है, ये अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रकृति वाले होते हैं, जो भी कफ वाले व्यक्ति होते हैं इस तरह की प्रकृति उनकी होती है। भूख मध्यम लगती है, भूख बराबर लगती है, नियमित शौच ये इनका आसानी से हो जाता है, इनको कोई समस्या नहीं होती है, शौच से संबंधित मल त्याग आसानी से हो जाता है, त्वचा थोड़ी सी मोटी और चिकनी होती है, इस तरह के लक्षण इनमें दिखते हैं। अब बात आती है पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के शरीर के लक्षण कैसे होते हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। तो पित्त प्रकृति क्या है, पित्त जो है उष्णता का एक पर्याय समझ सकते हैं। पित्त का मतलब शरीर की उष्णता बढ़ना, तो उष्णता जब शरीर में बढ़ती है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, पसीना ज़्यादा होता है, क्रोध ज़्यादा आता है, शरीर का जो वर्ण है पित्त वर्ण हो जाता है, कभी कभी रक्त वर्ण भी शरीर का वर्ण जो है दिखता है, उसी तरह के कुछ बदलाव होते हैं। क्या होते हैं, वे मध्यम शारीरिक ढांचे के होते हैं, जिन जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनका शरीर मध्यम प्रकृति का होता है, मध्यम ढांचा होता है, न ही ज़्यादा लंबे न ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मध्यम काया वाले होते हैं। त्वचा आमतौर पर नाजुक होती है, नाजुक त्वचा होती है, हल्के रंग की त्वचा होती है, धूप से झुलसने की संभावना होती है, मतलब इनको धूप बहुत तेज़ लगती है,
जो पित्त प्रकृति वाला है, क्योंकि पहले से शरीर में उष्णता बनी हुई है, पसीना बहुत आता है, पहले ही हमने बता दिया, अच्छी भूख लगती है क्योंकि जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी क्योंकि उष्णता शरीर की बढ़ी हुई है, और शायद ही कभी कब्ज होता है, कब्ज बहुत कम होता है क्योंकि भूख जब बढ़ रही है तो भोजन का पाचन भी बहुत तेज़ी से इनकी जठराग्नि कर देती है, पाचन की कोई समस्या नहीं होती है, जोरदार व्यायाम करने की क्षमता होती है, मतलब कि इनके में बल होता है क्योंकि ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा डाइजेशन होता है अच्छी तरीके से, तो व्यायाम करने की क्षमता भी बहुत तेज़ी से विकसित हो जाती है, अच्छी एक्सरसाइज ये कर सकते हैं, वे जीवन में व्यवहारिक होते हैं, मतलब ये व्यवहार कुशल होते हैं। अब ये आयुर्वेद जो है बहुत ही सटीकता और प्रामाणिकता के आधार पर आधारित है, इसलिए हम प्रकृति देख करके बता सकते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। तो इसलिए जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं, व्यवहार प्रिय होते हैं, किसी के संपर्क में आकर के व्यवहारिक रूप से उनसे स्नेह और मिलाप कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी याददाश्त अच्छी होती है, जो एक बार याद कर लेते हैं जल्दी भूलता नहीं है, जो भी पित्त प्रकृति वाले हैं। तो आप तय करो कि आप किस प्रकृति के हो, जो लक्षण बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप खुद तुलना कर सकते हो आपकी प्रकृति है क्या। सबसे बेचैन आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, बेचैन जो रूप होता है वो वात प्रकृति वाले होते हैं। अब ये नहीं कि आप सोचें कि नहीं सर ने बोल दिया कि हम बेचैन आत्मा वाले हैं, बेचैन प्रकृति वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। बेचैनी का मतलब यह है कि ये किसी चीज़ को निर्णय नहीं कर पाते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, क्योंकि वायु क्या है, वायु चंचल है। अब वायु चंचल है, जिनके में वात बढ़ेगा उनका शरीर भी चंचल होता है। तो ज़्यादातर जो हल्के फुल्के वेट के जो लोग दिखते हैं, जो बार बार बोलते रहते हैं, किसी को हंसाते रहते हैं, किसी को परेशान करते रहते हैं, किसी पर कमेंट करते रहते हैं, ये सब वात प्रकृति वाले हैं, क्योंकि वो चंचल एक जगह स्थिर नहीं होते, आपके पास बैठे रहेंगे, कूद मचाएंगे, उथल कूद करते रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे कभी वहाँ रहेंगे, तो इस तरह की प्रकृति होती है। तो वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, तो ये तो हमने उनके स्वभाव के बारे में बताया। अगर शारीरिक लक्षण के देखेंगे तो ये लोग या तो छोटे या तो लंबे होते हैं, लेकिन अक्सर पतले शरीर वाले होते हैं। एक चीज़ तो है, या तो बहुत छोटे हो जाएंगे वात प्रकृति वाले, या तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि ये पतले बहुत होते हैं। तो जितने भी कृश शरीर वाले हैं तो आप समझ जाए कि उनकी प्रकृति वात है, वात प्रकृति के हैं वो। कम वजन भी होता है इनका, त्वचा काली होती है, सूखी होती है, दरारों वाली होती है, ठीक है। वात ज़्यादा बढ़ेगा तो इस तरह के लक्षण भी दिखेंगे। भूख अस्थिर होता है, कभी भूख बहुत ज़्यादा लग जाएगी, कभी भूख लगेगी ही नहीं। जब वात बढ़ा रहेगा, पेट में गैस रहेगी तो भूख नहीं लगेगी, कभी कभी भूख बहुत ज़्यादा लगेगा। ज़्यादातर कब्ज से पीड़ित होते हैं। अब वात है, जहाँ भी वात रुकेगा तो फिर मल त्याग करने में दिक्कत होगी, तो कब्ज पीड़ित भी ये होते हैं। नींद हल्की इनकी होती है, नींद ज़्यादा नहीं आती है। वे आसानी से याद करते हैं, जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं और आसानी से भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है जो वात पीड़ित हैं। ज़्यादातर हम कहें तो जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी प्रकृति भी वात की होती है। ज़्यादातर चंचल स्वभाव होता है, वजन भी हल्का है, तो उस तरह की अगर त्वचा थोड़ी सी श्याम वर्ण है या कृष्ण वर्ण है तो आप समझ जाइए कि आप में भी थोड़ी सी वात की समस्या है। जल्दी जितनी याद होता है जो चीज़, वो जल्दी भूल भी जाता है, इस तरह की प्रकृति इनकी होती है। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत सक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं? सक्रिय बहुत होते हैं। सक्रिय का मतलब फुर्ती दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के फुर्ती दिखाते हैं, चाहे किसी को चिढ़ाने की बात कह लीजिए, या किसी के साथ अगर कहीं घूमने जाने की बात कर लीजिए, किसी का कुछ खाने की बात कर लीजिए, तो इस तरह की इनमें जो है सक्रियता होती है। दूसरी चीज़, प्रकृति या आयुर्वेदिक शारीरिकी का प्रकार क्या है। अब देखिए, प्रकृति का मतलब शारीरिक प्रकृति की बात कह रहा है, और शारीरिकी का मतलब कि शरीर के जो अंतर्गत जो दशाएं हैं, जो स्थिति है, उनकी बात कर रहा है कि आयुर्वेदिक शारीरिकी का प्रकार क्या है, आयुर्वेद जो शरीर है उसका प्रकार क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित आनुवांशिक संरचना के साथ पैदा होता है। दोषों के आधार पर प्रकृति के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयुर्वेदिक शारीरिकी का जो प्रकार है उसके अनुसार शरीर जो है आनुवांशिक संरचना के साथ पैदा होता है। जो भी प्रत्येक व्यक्ति है, सबकी आनुवांशिक एक संरचना होती है, जैसे माता पिता की संरचना होती है वैसे हमारी संरचना भी होती है। उसी के प्रकार के अंतर्गत दोषों के आधार पर प्रकृति के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। तो अगर दोषों के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार होते हैं, दोषों के आधार पर प्रकृति होती है शरीर की, जिसमें दोष, धातु और मल। कहाँ भी गया आयुर्वेद में, कहाँ भी गया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम,
क्या बोला गया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब कि दोष धातु और मल शरीर के मूल हैं, शरीर के एक आवश्यक घटक है, उसे ही आयुर्वेदिक शारीरिकी का प्रकार कहेंगे। तो आयुर्वेदिक शारीरिकी का प्रकार कितना है, तीन है, दोष धातु और मल। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आयुर्वेद में अग्नि की अवधारणा क्या है, अग्नि की अवधारणा आयुर्वेद के अंतर्गत क्या है, तो आपको बता दें अग्नि का अहम रोल आयुर्वेद में माना गया है हमारे शरीर के अंतर्गत, क्योंकि अग्नि ही पूरे शरीर को चला रही है, तो अग्नि को जैविक अग्नि माना गया है। यहाँ पे जो अग्नि की बात की जा रही है वो जैविक अग्नि की बात कर रही है, जो जीवित शरीर के अंदर जो चल रहा है, पोषित हो रहा है। आयुर्वेद में अग्नि के लगभग 13 प्रकार माने गए हैं, लगभग नहीं एक्यूरेट कह सकते हैं 13 प्रकार माने गए हैं, जिसमें जठराग्नि एक प्रकार है, जठराग्नि एक है, धात्वाग्नि 7 है और भूताग्नि 5 है। डिटेल क्लास में आप सभी को ये चीज़ें बताई गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से 9वें प्रश्न की ओर अगर चलेंगे तो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है देख सकते हैं। 9वें प्रश्न में कह रहा है कि आयुर्वेद में मल का अर्थ क्या है, तो आयुर्वेद में मल का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो मल शब्द का अर्थ है मलमूत्र, आयुर्वेद में मल को ही गंदगी बोली गई है, मलमूत्र कहा गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। आयुर्वेद में मल की एक अनूठी अवधारणा है, उदाहरण के लिए सामान्य मलमूत्र को ही मल कहा गया आयुर्वेद में, अधिक पेशाब के कारण निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। जैसे ये आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत अगर हम देखें तो अधिक पेशाब के कारण निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मल शरीर से ज़्यादा भी निकलता है तो दिक्कत है, मल शरीर में रुका भी रहता है तब भी समस्या है। जैसे ज़्यादा मूत्र त्याग अगर कोई करता है तो निर्जलीकरण हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें हो जाती हैं। और आयुर्वेद कहता है कि मल जो है शरीर का मूल है, शरीर में अगर रुकेगा तो बीमारी उत्पन्न करेगा, शरीर से ज़्यादा निकलेगा तब भी बीमारी उत्पन्न करेगा, तो दोनों में अगर देखें तो तालमेल है। तो आयुर्वेद में मल का अर्थ क्या है, उसका अर्थ यही है कि मल का अर्थ मलमूत्र है, जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है जितने भी 10 प्रश्न आपको बताए गए हैं इस सीरीज में अति महत्वपूर्ण है और सभी आयुर्वेद परीक्षाओं से संबंधित हैं। हर आयुर्वेद परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो है आते ही हैं, ऑप्शनल हैं। इसमें रिफरेंस करके समझाने का बस एक ही मतलब है कि क्वेश्चन का प्रकार, पूछने का तरीका, भाषा ये अलग हो सकती है, लेकिन जो उत्तर है वह अलग नहीं होगा। आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख जाएगा ऐसा प्रश्न, तो आप आसानी से उस पर टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है आयुर्वेद को मान्यता कौन देता है। तो जैसे कि आपको पता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व के स्वास्थ्य समीकरण को लेकर के चलता है, उनका लेखा जोखा रखता है, सारी चीज़ें वो जो है सर्कुलेट करता है, सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करता है, तो इसलिए आयुर्वेद को भी WHO ही मान्यता देता है। हम देखें WHO पारंपरिक चिकित्सा के प्रति खुला दृष्टिकोण रखता है, जो भी पारंपरिक चिकित्सा है तो आयुर्वेद भी पारंपरिक चिकित्सा है, देसी चिकित्सा है, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे भारतीय मूल से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से जुड़ा हुआ एक चिकित्सा है। लेकिन WHO उसी चिकित्सा को मानता है जो इनके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थ्रू ये समझा सकते हैं कि ये चिकित्सा जो है इस बीमारी में काम में ली जा सकती है, ये औषधि इस बीमारी में काम में ली जा सकती है। लेकिन क्यों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उन्हें समझा देते हैं और WHO को ये लगता है कि नहीं, ये वैज्ञानिक आधार पर ये चीज़ सही है, तो वो उनको WHO के अंतर्गत चिकित्सा करने की छूट देता है, मान्यता देता है। तो आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वैद्यकीय जो प्रक्रियाओं के द्वारा औषधियाँ निर्माण करके चिकित्साएँ की गई हैं, सभी सटीक हैं, सभी प्रूव्ड हैं, इसलिए WHO भी प्रमाणित करता है कि एक चीज़ और है जिसमें विषाक्तता नहीं है, जिसमें सारी चीज़ें सही हैं, जो इलाज करता है उसको WHO मान्यता दे देता है। इसीलिए इसी को देखते हुए आयुर्वेद को WHO द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है। ठीक है,
क्या उत्तर है? आयुर्वेद को WHO द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है, तो आयुर्वेद को मान्यता देता है कौन? WHO ने मान्यता दी हुई है। तो इस तरह के प्रश्न जो है अब आपको लगातार मिलेंगे और इसी के थ्रू जो है आप सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा, अपने आयुर्वेद को समझने का मौका भी मिलेगा और अपने विषयों का, अब यहाँ पे विषय अगर सम्मिलित कर दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़ी हो जाएंगी, तो विषय तो सम्मिलित नहीं किया हमने, एक जगह पे अलग अलग विषयों से जो है प्रश्नों को समाकलित किया गया है और ये दोनों समूह के जो बच्चे हैं, चाहे वो आयुर्वेद स्टाफ नर्स के बच्चे हों या जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट स्टूडेंट हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि डेली अपडेट और फर्स्ट टाइम वीडियो अगर हमारी जो ही चैनल पे आती है आप देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते हो, तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।